मैक्सिमा मिनिमा। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मतलब क्या हो गया उच्चिष्ट, मिनिमा मतलब क्या होता है निम्न, समझ गया ना। अब देखो अभी जो हम सवाल बताएंगे, समझ गया ना, इसको सही और ध्यान पूर्वक आपने देख लिया तो समझ जाओ कि 5 मार्क फिक्स हो रहा है, 5 नंबरा में आएगा, समझ गया ना, 5 मार्क आपका फिक्स हो रहा है। सीरियसली देखो इसी प्रकार से सवाल को सोल्व करेगा। पहले देखो इससे संबंधित कुछ पॉइंट लिख लो, 3 पॉइंट हम लिखाते हैं, समझ गया ना। एस्ट्रिक पहला क्या करोगे, दिए, समझ गया ना, दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएट करें, दूसरा देखो डी वाई वाई डी एक्स बराबर 0 लेकर एक्स का मान निकाले, एक्स का क्या करना है मान निकाल लेना है। तीसरा हमें क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त करें, अर्थात ये सब लिखना नहीं है आपको, हम बनाने के लिए हम पॉइंट लिखाते हैं। डी एक्स स्क्वायर, समझ गया ना, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये चीज निकाल लेगा। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब प्राप्त हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा तो देखो चौथा के मान में एक्स का मान रखे, एक्स का क्या करना है, किसका जो मान निकलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, एक्स का क्या करना है मान रखना, एक्स का क्या करना है मान रखना है। अगर मान चलो कि एक्स का मान रखने पर अगर ये जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान 0 से क्या आ जाए छोटा आ जाए, 0 से क्या आ जाए तो उस बिंदु पर उल्टा सोचना है, उस बिंदु पर आपको क्या होगा वैल्यू मैक्सिमम उच्चतम मान प्राप्त होगा, समझ गया ना, उस बिंदु पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा। देखो x का मान रखे तो मान के लिए कि x का मान रख दिए है, अगर देखो मान रखने पर ये आपको 0 से क्या हो गया छोटा, समझ गया ना, 0 से क्या हो गया तो वो बिंदु पर क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, उस बिंदु पर आपको क्या प्राप्त होगा तो ये आपको मैक्सिमम होगा। अगर मान के चलिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर ये आपको 0 से क्या हो गया बड़ा, तो उस बिंदु पर आपको मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा, क्या होगा फलन का निम्नतम मान प्राप्त होगा। कितना पॉइंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो विभिया क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज
मन का जो है मैक्सिमम और मिनिमम मान प्राप्त करना है, समझ गया ना, मैक्सिमम और मिनिमम मान प्राप्त करना है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, करेंगे क्या, तो पहले जो ये जो फंक्शन आपको ये इक्वेशन है जी, ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है इनका एक हम नाम दे देते हैं, वाई मान लो या एफ एक्स मान लो। वाई बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है ना, होता है जी, जी। इसको हम क्या मान लेते हैं, इस फलन को हम मान लेते हैं वाई, तो ये आपको क्या हो गया टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ये 36x प्लस क्या हो गया 11 हो गया ना। अब करना है क्या कि एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ गया ना। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy वाई वाई क्या करेंगे dx, देखिए पावर क्या होता है गुना होता है ना, तो तीन दुने क्या हो गया 6x स्क्वायर, अब 15 दुने क्या हो गया 30x हो गया ना, अब प्लस क्या हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पर लिखना क्या है, एक बार डिफरेंशिएट जैसे कर लेंगे, यहाँ पर लिखिए 4 मैक्सिमम, फुल भी लिख सकते हैं या ऐसे मैक्सिमम एंड मिनिमम, वैल्यू जो वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, समझ गया ना। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वाई की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो, जैसे लिख दिया, लिख दिए हम। अब यहाँ पर क्या रखोगे जीरो, यहाँ पर क्या रखोगे जीरो, आप 6 से सब में भाग दे दो या नहीं तो 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया फाइव एक्स प्लस 6 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर 5x को हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2x लिख सकते हैं ना, x का मान फाइंड करना है गुणनखंड विधि से, तो x माइनस क्या हो गया 3, यहाँ पर 2 लोगे तो x माइनस क्या हो गया 3 बराबर जीरो, तो ये x माइनस क्या हो गया 3, x माइनस क्या हो गया 2 बराबर जीरो, x बराबर क्या हो गया 2 और 3, x का दो मान प्राप्त हो गया 2 और 3। अब ये जो दो को मान प्राप्त हुआ है तो आप क्या करो कि ऐसे एक रेखा बना करके उसमें तुलना करके निकाल सकता है, समझ गया ना, कि कौन जो है किस बिंदु पर उच्चतम मान प्राप्त होगा किस बिंदु पर, तो वो प्रक्रिया में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, समझ गया ना, इतना दिमाग लगाना नहीं है। एक बार और डिफरेंशिएट हम कर देते हैं इसका, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो प्राप्त आपको है ही ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त कर लेते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ऐसा हम कर लिए हैं। अब देखिए ये क्या होगा 6 दुनी 12, ये 12x हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया 30 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएटिव 30 हो गया ना। अब पहले एक्स का मान ले लो 2, एक्स का मान हम क्या लेते हैं 2, डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर, ये आपको क्या हो गया 12 दुनी 24 माइनस 30 यानी माइनस 6, ये जीरो से क्या हो गया छोट हो गया ना, जी हो गया जी। तो यहाँ पर लिखना है वाई हैज मैक्सिमम, वाई हैज मैक्सिमम, वाई जो है उच्चिष्ट है इस बिंदु पर एट पॉइंट एट एक्स बराबर 2, वाई हैज मैक्सिमम एट एक्स बराबर 2। अब एक मान तो और ना बचा है, क्या मान बचा है वो तो देखो, एक्स बराबर 3 पर भी ना जांच करेगा ये जीरो से बड़ा होता है कि छोटा होता है, बोल
यहाँ पर रखेंगे तीन तो 12 तिया 36 में से 30 गया, क्या बचा 6, तो ये जीरो से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेगा वाई हैज मिनिमम एट एक्स बराबर 3। तो वाई जो है मतलब फलन निम्निष्ठ होगा एक्स बराबर 3 पर। तो फाइनली आपको अब क्या करना है कि उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान प्राप्त करना है। बिंदु आपको प्राप्त हो गया है तो आपको क्या करना है, है ना? हाँ, कर रहा है। तो अब रखिए, तो यहाँ पर कोण का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 11, ये 8 हो गया ना, ये क्या हो गया 4 हो गया ना, ये कितना हो गया 72, 11 हो गया ना, 8 दुनी 16, 15 चौके 60, ये 83 हो गया, 6 3 9 8 9, ये 39 प्राप्त हुआ। अब एक्स बराबर 3 रख दो, तीन रखो, तो यहाँ पर 2 3 का हो गया ना। अब देखिए 3 3 9 3 27 दुनी क्या हो गया 54, अब 3 3 9 अब 15 9 35 आसे 36 किया आपको 108 हो गया प्लस 11 जोड़ दो अब सबको, तो आपको 108 प्लस 11 119 हो गया, 119 54 9 4 13 173 माइनस 135, ये 13 में 5 गया 8, उसके बाद 6 में 3 गया 3। देखो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गया, कितने प्राप्त हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया ये 39 और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 38। देख लिया ना कि y का जो मान यहाँ पर जो निकला था क्या x बराबर, ये जो y है जो मैक्सिमम एट x बराबर 2, तो y का मान x बराबर 2 पर ज्यादा हुआ ना, नहीं आया फलन का मान ज्यादा हुआ ना, 3 पर फलन का मान क्या आया कम आया ना, 38 आया ना, 39 ज्यादा है ना, 38 कम है ना। तो देखो ये कंडीशन निकाल के दिया बिंदु, तो क्या y का मान उच्चतम और न्यूनतम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसको एकदम ध्यान पूर्वक देख लो। अब मान के चलो कि ये हम सवाल लिखा दिए है ना, हो सकता है ये हू बहू भी पूछ दे, या मान के चलो कि ये हू बहू नहीं पूछे, इस फलन के बदले में कोई दूसरा ही फलन दे दे, तो इसी प्रकार से निकालना ये, इसको जो है कि एकदम बार बार बना करके माइंड में सेट कर लो, 5 मार्क आपके जो है ना फिक्स हो गए।